गाइस आज हमारे पास है काफी महंगा सौदा। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये है एप्पल वॉच अल्ट्रा जो हमें काफी सस्ते में मिली है, और सस्ता बोले तो इतना सस्ता कि शुरू होते ही खत्म हो गया। ऑब्वियसली आपको भी मिल सकती है अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर पूरी लास्ट तक देखो। लिंक विंक नहीं है भाई, जुगाड़ बताया जाएगा। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ खोलते हैं इस बॉक्स को, तो लेट्स स्टार्ट। खोलते सबसे पहले मिलता है ये एप्पल का सिलेबस, और सबसे बड़ी चीज भाई एप्पल का कहीं नामो निशान नहीं है। एक जगह आप नहीं देख सकते कि भाई ये जो है वो एप्पल के द्वारा बनाएगी। और उसके बाद खोलते हैं निचले वाले को, इसमें डेफिनेटली अपना स्ट्रैप है, और ये जो स्ट्रैप है सेम एप्पल इस स्ट्रैप को बेचता है 9,500 रुपए का, और हमें 3,000 रुपए में तो घड़ी मिल गई है स्ट्रैप के साथ साथ। और उसके बाद आपको लगेगा भाई इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन भाई बहुत कमाल की, बहुत ही कमाल का स्ट्रैप है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब बारी आती है वॉच की, और ये है वायरलेस चार्जर, और इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल है। और उसके बाद चलते हैं हम अपनी वॉच के ऊपर। ये काफी ज्यादा प्रीमियम, पूरा मेटेलिक फिनिश मिलता है, और पीछे की तरफ कुछ लिखा हुआ भी है भाई, मेटेलिक एंड प्लास्टिक सिरेमिक केस, केस हार्ट रेट एक्स ग्लास जीपीएस स्मार्ट वॉच अल्ट्रा। और यहाँ पे स्ट्रैप्स के लिए लॉक भी मिलता है आपको। पता है इसमें स्पेशल चीज, ये लॉक्स हैं, लेकिन आप इन लॉक को दबाए बिना ही इस केस को निकाल सकते हो। भाई दिखाने का सब कुछ लेकिन करने का कुछ भी नहीं, तो क्यों ना इसको ऑन किया जाए और देखा जाए अंदर क्या निकलता है, कहीं एंड्रॉइड ना हो जाए। तो कहने को तो ये वॉच अल्ट्रा की कॉपी है, लेकिन बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा इसकी जो प्रीमियमनेस है, इसकी जो एज इट इज डिजाइनिंग है, इसका जो स्ट्रैप है, इसके जो वॉच फेसेस हैं, वो सारे इतने स्मूथली सारी चीजें एकदम सही से काम कर रही है। मतलब अंदर तो इसकी घुसेंगे ही घुसेंगे, लेकिन बाहर की तरफ से अगर किसी को दिखाने के लिए वॉच चाहिए ना, कि 3,000 के हिसाब से ये 100% वैल्यू फॉर मनी चीज है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो चीजें कॉपी की जाती है ना, वहां पे आपको जो बेजल्स होते हैं वो बड़े बड़े मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको देखो, बिल्कुल भी बेजल्स नहीं है, बहुत ना के बराबर आपको मिलते हैं। पीछे की तरफ सेंसर्स भी हैं जो काम कर लेते हैं, मतलब एक्यूरेटली नहीं, लेकिन जो 3,000-4,000 रुपए वाली वॉच आती है उनके जैसी तो रीडिंग आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर देंगे। बाकी बहुत ही सॉलिड फील होती है, क्योंकि यहाँ कहीं भी प्लास्टिक का यूज नहीं है, ये पूरा मेटेलिक फिनिश है। और लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर ग्रिल और उसके नीचे एक्शन बटन भी मिलता है। ये कहने के लिए एक्शन है, बाकी इसमें कोई एक्शन है ही नहीं, मतलब एक सिंपल बटन की तरह ही काम करता है, आप कोई कस्टमाइजेशन इसमें कर ही नहीं सकते। तो ये तो बात कर ली हमने ऊपरी सतह की, अब अंदर घुसते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या माल मसाला पैक किया है। लेकिन इसकी स्मूथनेस, इसकी ब्राइटनेस जो है ना, वो पहले ही नजर में ना काफी भारी है, काफी अच्छे से कॉपी मारी है इन्होंने। बाहर से ही नहीं, अंदर से भी पूरी कॉपी करने की एकदम निहायती कोशिश है। यहाँ पे जितने डायल्स आप देख रहे हो, चाहे डार्क मोड हो, चाहे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो, जैसे आप छोड़ते हो इसको ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर चला जाता है, ये भी अपने आप में काफी कमाल की चीज है। बस डेफिनेटली इसमें कुछ फीचर्स नहीं है, जैसे जीपीएस वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। अब वो भी मिल गए तो वो अल्ट्रा को कौन खरीदेगा, डायरेक्ट 3,000 रुपए वाली खरीदेगा भाई। बात तो सही है। अब आप ये सोचोगे कि यार इतनी खतरनाक कॉपी मारी है तो ये डेफिनेटली कनेक्ट भी ऐसी सीमलेसली तरीके से होगी, ऐसा नहीं है। आप आईवॉच से कनेक्ट करने जाओगे ये बिल्कुल भी नहीं होगी, वो फाइंड आउट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे हर घड़ी के अंदर एक बारकोड होता है, इसके अंदर भी है। उस बारकोड को जैसे ही आप स्कैन करोगे, चाहे आपने आईफोन से करो या फिर एंड्रॉइड से, हम एंड्रॉइड से करते हैं, एंड ये डायरेक्टली आपको लेके चला जाएगा WWFit 2.0 के ऊपर प्ले स्टोर। तो ये है वॉच के पीछे का राज, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद इससे कनेक्ट करते हैं। एंड यस, कनेक्ट हो चुकी है और डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम भी करती है। यहाँ पे आप फाइंड बैंड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें वाइब्रेशन होने लग जाएगा। आप सोच के देखोगे कि वाइब्रेशन किस टाइप, क्या फील करवाने के लिए होता है, सुनने के लिए होता है कि फील करने के लिए होता है। हर कोई बोलेगा कि भाई फील करने के लिए होता है वाइब्रेशन, लेकिन इसका वाइब्रेशन फील नहीं, सुनने के लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर कहीं छोटी सी एक मोटर फिट करी है जो सिर्फ आवाज करती है घूं घूं घूं। आपको हाथ में तो फील ही नहीं होगा कि हाँ वाइब्रेशन चल रहा है। और जब भी किसी ब्रांड की कॉपी होती है तो डेफिनेटली जब वो चीजें बिक जाती हैं उसके बाद कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा नहीं है। ये OTA अपडेट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ये बोल रहा है अब तो अप टू डेट है, लेकिन फ्यूचर में आपको मिलेगा। और इसमें आपको बहुत सारे वॉच फेसेस मिल जाते हैं जो ओरिजिनल वॉच अल्ट्रा में मिलते हैं, तो रोटेट करते हुए आप इनको सीमलेसली सेट कर सकते हो। और आपको लगेगा जो इसमें मिलते हैं वो उतने ही है, ऐसा नहीं है भाई। फोन से भी आप कनेक्ट करके बहुत सारे डायल फेसेस को चेंज कर सकते हो। ऑनलाइन तो आपको बहुत सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कस्टम का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जिसमें सिंपली चेंज बैकग्राउंड इमेज पे जाओ, अपनी या फिर अपनी
गर्लफ्रेंड की, जिसको रखना है उसको रखो और अपना वो स्पेशल बना लो। और स्पेशल चीज ये है कि कॉपी की है लेकिन फिर भी आपको डिस्प्ले इतनी अच्छी मिलती है। ये एक LCD डिस्प्ले है लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसके अंदर मिलता है, नाइट मोड मिलता है। और डेडिकेटली जब आप बटन को प्रेस करोगे और उसके बाद उसको कम ज्यादा करोगे तो यहाँ पे देखो सारा का सारा जो एनिमेशन है वो कितना स्मूथली काम कर रहा है। और ये सारी चीजें दर्शाती है कि ये भाई कतई खतरनाक तरीके की कॉपी है। और अब आने वाला इस घड़ी का ब्रह्मास्त्र। आप सोचोगे यार फंक्शन हो गए होंगे और क्या बचा है, लेकिन नहीं, ये कॉलिंग वॉच है। मतलब आपके फोन में जो भी कॉल आएगी वो इससे आप रिसीव कर सकते हो और बात कर सकते हो। मतलब कॉलिंग क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है बट ठीक है, काम चल सकता है। लोगों को दिखाने के लिए तो बहुत कमाल की चीज है। आवाज आ रही है तेरे को? आवाज साफ आ रही है? एंड स्पेशल चीज ये है कि इससे भी कॉल कर पाओगे, ऐसा ही नहीं है कि सामने का ही उठाना है भाई, पूरा इन आउट फ्री। और इतना ही नहीं, आप इसमें मैसेज भी पढ़ सकते हो, मतलब जितने भी मैसेज होंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस इसमें सॉन्ग्स भी सुने जा सकते हैं। उसके बाद बैटरी इतनी अच्छी नहीं चलेगी लेकिन डेफिनेटली आप सुन सकते हो, घटिया क्वालिटी में मिलेगा पर मिलेगा। एंड कहने के लिए ये वाटरप्रूफ भी है, आप इसको टेस्ट मत करिएगा, हमने कर ली है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सर्टिफिकेशन ना होते हुए भी ये अच्छे से काम कर लेती है भाई पानी में। और इसके सेंसर तो इतने कमाल के है ना कि मतलब मैं बोल ही नहीं सकता कुछ। यहाँ पे मेरा हार्ट रेट सेंस कर लेंगे कोई बात नहीं, SPO2 सेंस कर लेंगे कोई बात, लेकिन मेरी चड्डी का भी कर लेते हैं भाई। मेरी चड्डी का SPO2 97% एंड हार्ट रेट 83%। और जैसे ही आप लेफ्ट साइड से यहां से स्वाइप करोगे आपको ये पैनल दिख जाएगा जिसमें कितनी कैलोरीज बर्न करी हैं, कितना किलोमीटर आप चले हो, कितने फुटस्टेप आपने कवर किए हैं, सारे के सारे दिख जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको सेटिंग्स मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो सेटिंग आइकन है वो कस्टमाइजेबल है। यहाँ पे एक बार आप क्लिक करोगे आपको ये नॉर्मल सेटिंग्स दिखेंगे, दूसरी बार क्लिक करोगे आपको ये स्टाइल दिखने लग जाएंगे। देखा, तो जैसे हमने इसको आंका, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी को ऐसा प्रोफेशनल काम नहीं है, जैसे जिस काम के लिए वॉच अल्ट्रा बनाई गई है वो एक अलग ही चीज है, डाइविंग एंड ऑल जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। लेकिन अगर कोई सस्ते में मजा लूटना चाहता है, लेकिन ऐसे लोग जिनको कोई लेन देन नहीं है कि भाई एक्यूरेसी कितनी कमाल की हो रही, वो वॉच पे डिपेंडेंट है ही नहीं, बस उनको दिखाने के लिए एक वॉच चाहिए और वो भी बहुत ही कम बजट में, तो ये डेफिनेटली उनके लिए हो सकती है। हम इसका लिंक विंक आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमने भाई गफार मार्केट से खरीदी है, तो अगर आप दिल्ली के आसपास कहीं हो गफार मार्केट में तो वहां से आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। बोलने को ज्यादा बोलेंगे, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए पैसे कम करवाने की, जितनी क्षमता उतनी सस्ती घड़ी और उसके बाद मौज लो और क्या है। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए।